बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एहसान हैदर यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं डी आर सानी। नाज़रीन, आपसे मुआज़रत के तकरीबन 15-20 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह थी साकिब के पास टाइम नहीं था, उसकी तबीयत भी नासाज थी। अल्लाह पाक का करम हुआ कि अब काफ़ी बेहतर है और ग्राउंड में मौजूद हैं। हम ग्राउंड में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कौन सा ग्राउंड? दरबान क्रिकेट ग्राउंड नहीं जी, अपने गाँव में, अपने गाँव दरबान लसगढ़ में हमारा एक ग्राउंड है जहाँ पहले क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इस बार लड़कों ने क्रिकेट को छोड़कर वॉलीबॉल के लिए नेट बनाया। नेट उसकी वीडियो हमने कल अपने एहसान हैदर फेसबुक पे अपलोड की थी, बड़ी अच्छी वीडियो थी। जब ग्राउंड बना रहे थे, नाप तोल कर रहे थे, हमजा थे, दूसरे दोस्त थे, फिर नेट भी हमने खुद ही बनाया। माशाल्लाह जितने दोस्त थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत नेट बनाया। नेट पहली बार उन्होंने बुना, लेकिन बड़ा अच्छा, बड़ी बेहतरीन तरीके से। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त दोनों टीमों का मैच खेला जा रहा है। तीन टीमें और एक टीम हमारी है, एक टीम है हसनैन उसामा की, दूसरी टीम है जी इस्माइल और साथ अनीस लोगों की और उस्मान लोगों की। अभी इन टीमों के एक टीम हारने के बाद जो टीम जीतेगी उसका मैच हमारी टीम के साथ होगा। अभी देखेंगे कि ये देख रहे हैं, ये आपके सामने जी क्या एक दूसरे की तरफ शोर कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अभी तक अनीस की टीम एक बार एक मैच भी नहीं जीत सकी। अनीस ने शर्ट पहनी हुई है, लेकिन शर्ट पहनने से बंदा खिलाड़ी नहीं होता। और ये देख रहे हैं जी, अभी आपको इंजॉय कर रहे होंगे वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल जो हमारे देखने सुनने वाले हैं, जो दरबान को जानते हैं, जो हमारे गांव वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो जानते होंगे यार कि ये कौन सी जगह है। ये अपनी लसगाड़ है जी। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये देख रहे हैं जी, सारे इकट्ठे हुए हैं और उधर हमारे बड़े बच्चे भी बैठे हुए हैं पत्थर के ऊपर। माशाल्लाह क्या ही कहने, वो बीमार हैं अब्दुलरज़ाक भाई। हेलो, आप नहीं खेलते हैं क्या? हुआ तबीयत ठीक है? और जी आगे चलेंगे, किसी से बात करेंगे। हाँ जी, ये अनीस खड़े हुए हैं जी। माशाल्लाह जी, अपनी टीम का सतून है, लेकिन फ़ायदा दूसरी टीम को मिलता है इसके होने या ना होने से जी। ये देख रहे हैं मायूसी। अस्सलाम वालेकुम अनीस, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का करम जी, मुझे ये बताएं कि आपकी टीम अभी तक एक मैच भी नहीं जीती, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इतना अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, अभी नया नया ज्वाइन किया हम लोगों ने। आपको पता है हम क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो वॉलीबॉल में थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमारा कम्बिनेशन बनता जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। आप अदील शाह से जिद क्यों करते हैं, उसको आप सर्विस देने नहीं देते? नहीं, अदील शाह हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है हमारा माशाल्लाह। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए जी। जी जी, मेरी टीम का मैच लगा हुआ है, आखिरी टाइम है, अभी पॉइंट लेना है हम लोगों ने। ये काशी के बारे में क्या जी, काशी किस तरह खेल पेश कर रहा है? काशी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मेहनत करता है। दूसरी टीम के लिए, आप लोगों के लिए? अपनी टीम के लिए। अच्छा जी, काशी के पास चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम काशी, क्या हाल है जी? क्या हाल है जी काशी, कैसे हैं जी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है जी? जी डॉक्टर, आपका अभी मैच चल रहा है, क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? अभी तो गेम बाल है उधर उस टीम का, अभी क्या है? कौन जीतता है जी? ये यार जो हारने वाली टीम है उसके बेहतरीन प्लेयर हैं, सेंटर खेलते हैं, माशाल्लाह क्या ही कहने, बड़ी अच्छी उम्दा गेम कर पेश करते हैं, लेकिन बैड लक और ये हर बार आपकी टीम हार जाती है, इसकी वजह? इसकी वजह यही है कि हमारी टीम नहीं है और जगह भी नहीं है, इस वजह से कॉम्बिनेशन अभी नहीं बना टीम का, थोड़े दिन लगेंगे टीम बनने में, इंशाल्लाह जीतेंगे आगे। तो आपकी टीम में तो माशाल्लाह काशी बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसके बाद अनीस है और इस्माइल है और दूसरे आप खुद बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो फिर इसकी हारने की वजह क्या है? हमारे हारने की वजह आगे जो नेट है ना, नेट में लड़के जो है नए हैं, उनकी वजह से हम हारते हैं, गेम के नहीं कर सकते हो। तो नेट पे क्यों मारते हैं आप? तो बिल्कुल आप ज़्यादा बैठे अपनी टीम मीटिंग करें और उन्हें बोलेंगे यार तुम हैग भी नेट अच मारी ना, तो हमें छोड़ देना कहीं आइए। नहीं, ये तो कभी नहीं कहा, नेट में लाजमी है, गेम में बाल हर बाल लगता है नेट में, तो नेट का काम होता है उठा कर देना बाल। हमारे पास टीम में नेट कोई नहीं है, इसलिए हम हार जाते हैं, बैड लक है हमारा। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, आगे इंप्रूव करेंगे अपनी गेम को। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम भी कितने प्यार से हार के आ चुके हैं, क्योंकि दूसरी मरतबा दूसरा मैच भी जीत चुकी है हसनैन 11 उसामा 11, बड़ा अच्छा खेल पेश कर रहे हैं और उनका कम्बिनेशन भी अच्छा है। और दूसरी बात ये कि वो
बाल को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, बिल्कुल पॉइंट वाली जगह पे जहाँ जगह खाली हो थोड़ा सा प्रेसे भी लगाते हैं। लेकिन हमारे जो लड़के हैं ये बोल रहे हैं कि मड़े हथा दे लगी, मड़े हाथ भेंगे हो गए, मड़े सिद्ध हो गए। तो हमारा कप्तान कह रहा है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं अभी, मासूम हैं, छोटे हैं, 50 साल हो गए अभी तक छोटे हैं, पर कब सीखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, गेम का ऐसा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था कि आपने कभी ऐसी गेम खेली है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स करें, अगर खेल रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताएँ। हमारी इंशाल्लाह टीम का मैच होगा दरबन के जो सीनियर प्लेयर हैं डॉक्टर 11, कारी 11, खिताब गुल हो गया और दूसरा मामू हो गए, ये तीन टीमें हैं। तीन टीमों को इंशाल्लाह इरादा ये बन रहा है कि एक दिन एक टीम को बुलाएंगे, एक दिन दूसरी टीम को, एक दिन तीसरी टीम को। बेस्ट ऑफ थ्री होगा या बेस्ट ऑफ फोर होगा, जो भी मैच जितने भी मैच खेले जाएंगे टाइम के हिसाब से, अगर टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने, ये देख रहे हैं कि ये देखें जी मासूम मासूम चीचे हैं, ये खेल रहे हैं हमारे, हमें देखने के लिए आते हैं। और दूसरी तरफ ऊपर क्रिकेट भी हो रही है, और अगर साकिब यहाँ से क्रिकेट वालों को भी दिखा दे कि हमारे गांव में आप बोलते हैं क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेट भी खेली जाती है। पहले हम भी क्रिकेट खेलते थे लेकिन इस बार हमने वॉलीबॉल के लिए जगह सेट की और अच्छा मैच, अच्छे मैचेस हो रहे हैं। और आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई, ज़रूर कॉमेंट्स करें आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग लाइक करते हैं वॉलीबॉल को या क्रिकेट को, जो वॉलीबॉल के जो मैचेस खेलते हैं या लाइक करते हैं वो ज़रूर कमेंट्स करें, जो क्रिकेट वाले भी वो भी अपनी हाज़िरी लगाएं। देखते रहें एहसान हैदर यूट्यूब चैनल और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हामी व नासिर। अगर कार्ड होगी तो सीधा ही कई हरकत कर दे यार, वीडियो कार्ड होगी तो सीधा हरकत, गेम कैट कर रहे दिला वीडियो पड़ दी थोड़ी साल लोडो नीस शायद खाए पॉइंट के अंदर शायद खाए Okay.